सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, कितने वर्षों का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदी यूरोपियन भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का हास्य हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है।